हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि विंटर स्टार्ट हो चुका है और सभी के गार्डन में विंटर की फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई होगी। तो विंटर में अपने जो समर के प्लांट हैं उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि विंटर थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन समर काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो आज मैं एक ऐसे ही समर के प्लांट के बारे में बात करूँगी और बताऊंगी कि उसके सीड्स को कब कलेक्ट करना चाहिए, उसका राइट टाइम क्या है ग्रो करने का, और कैसे पता लगाए कि जो सीड है प्लांट के वो अब पक गए हैं या ऐसे कच्चे तो नहीं है, ग्रीन तो नहीं है। तो आज इसी बारे में हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। और मेरा पैर लगने से ये देखिए मेरे पौधे गिर गया, इसकी मिट्टी निकल गई, इसे मैं बाद में सही कर लूँगी। तो चलिए उस प्लांट की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है, गर्मियों में जो है बहुत ही अच्छी सी ग्रीनरी ऐड करता है, बहुत ही प्यारी इसकी लीव होती हैं। और ये देखिए ये है कोचिया, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी और बताती हूँ कि इसके सीड्स का आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक चुके हैं या नहीं पक चुके हैं। देखिए अब इसमें आपको एक भी पत्ती ग्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी, देखिए नीचे से दिखा रही हूँ मैं, एक भी इसमें पत्ती बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। और जो ये इस तरह से जो ये रेड होती है, मैं दिखाती हूँ इधर से, ये देखिए जो ये आपको थोड़ी थोड़ी रेड दिखाई दे रही है तो ये अभी थोड़े से कच्चे हैं, ये अभी कच्चे हैं, कुछ इसकी जो इस साइड से है ये कच्चे हैं क्योंकि इधर से धूप नहीं लगी है। तो जब मैं इसको घुमा के रख दूँगी 2-4 दिन तो ये देखिए इसके बीज जो है पक जाएंगे। जो ये है अभी देखिए ये पिंकिश है, ये रेड है, तो इसका मतलब इसकी ये फ्लावरिंग है, ये पिंक वाली इसकी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए बहुत ही कम है, इधर की 2 ब्रांच ही है, इसको घुमा के मैं रख दूँगी। तो जब आपका पौधा देखिए इस तरीके से पूरा पूरा का पूरा ऐसा ब्राउन हो जाए बिल्कुल, तो आप इसको बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। और पीछे मेरा बेबी रोने लगा है तो मैं वीडियो को रोक के पहले उसे शांत कराती हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इधर से पूरा का पूरा ब्राउन दिख रहा है, बिल्कुल भी आपको इसमें लीव नहीं दिख रही है, कोई भी रेड लीव या इसके जो है क्या बोलते हैं फ्लावर नहीं दिख रहे हैं। तो ये राइट टाइम है इसका आप सीड्स को कलेक्ट करने का, क्योंकि आप गलत टाइम पे अगर सीड कलेक्ट कर लेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। वो इसी वजह से कुछ लोगों के जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो वो इसी वजह से जर्मिनेट नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो है वो पहले ही सीड को जो है कलेक्ट कर लेते हैं, उनको राइट टाइम का वेट नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, ये देखिए देखिए मिट्टी में देखिए कितने सारे इसमें बीज पड़े हुए हैं। तो यही इसका एक मेन क्या वो कारण होता है जिसको जो बीज जो है जर्मिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि राइट टाइम पे कलेक्ट नहीं करते हैं, वो कच्चे होते हैं और उनको जो कलेक्ट कर लेते हैं तो वो कैसे जर्मिनेट होंगे जब तक पूरे तरीके से वो मैच्योर नहीं होंगे। तो चलिए मैं इसको अंदर ले कर चलती हूँ, अब दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं इसको अंदर ले आई हूँ और मैं नीचे दिखा देती हूँ, देखिए मैं उठा के लाई और कितने सारे इसके बीज नीचे गिर गए, और ऐसे ही इसके बीज देखिए नीचे भी पड़े हुए हैं। तो इसको हम लेटा लेंगे और मैं इसको वैसे तो मिट्टी से निकालना चाहिए लेकिन अभी मैं मिट्टी से नहीं निकालूँगी, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी और कट करने के बाद फिर दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली ये कट चुका है, और मैंने इसको इसलिए यहाँ से काटा है, नीचे से क्यों नहीं निकाला है क्योंकि अभी मुझे सीड कलेक्ट करने, अगर मैं ये निकालूंगी तो पूरे में मिट्टी फैल जाएगी और सीड्स जो है मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इजी तरीका ढूंढा है और ये मैंने यहाँ से कट करा है, बाद में मैं इसे यहाँ से निकाल दूँगी पूरी जड़ से, लेकिन अभी मैंने इसको ऐसे कट करके निकाला है और इसको कुछ भी नहीं करना है। देखिए नीचे देखिए कितने बीज गिर गए हैं, ये देखिए कितने, ये देखिए, और जब ऐसे ऐसे झाड़ेंगे ना तो देखिए कितने सारे बीज निकल रहे हैं इसके। तो इसी तरीके से इसको ऐसे ऐसे करके सारे बीज को निकाल लेना है। देखिए ये है इसके बीज, मैं दिखा रही हूँ, सारे ही इसी तरीके से निकलेंगे ये, और मैं निकाल लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे बीज हो गए। आप एक बार ये पौधा लाएँगे ना तो आपको हर साल ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए
हर साल आपको ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे इतने सारे पौधे बन जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी रखने की भी जगह नहीं बचेगी। इतने तो आपके पॉट रेडी हो जाएंगे, इतने सारे पौधे हो जाएंगे इसके। तो चलिए मैं इसको कलेक्ट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपसे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कितने सारे बीज कलेक्ट कर लिए हैं। अब आप इसी बीजों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कितने सारे पौधे बन सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जो पौधे हैं उनके बीजों को कलेक्ट कर लीजिए, जिस पर आ रखे हैं, जिनका सीज़न जा चुका है उनका तो कुछ नहीं, लेकिन जिसके अभी सीजन है कि भाई बीज कलेक्ट कर लेने चाहिए तो आप उसके कलेक्ट कर लें। और कोचिया भी बहुत ही सुंदर पौधा है, तो आप इनके बीजों को कलेक्ट करके और नए नए पौधे बनाइए समर में। बहुत ही ग्रीनरी ऐड करता है, और लीव्स भी इसकी इतनी खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, पतली पतली सी होती हैं, लंबी लंबी सी, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये है मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप गार्डनिंग।